अली कहाँ है? अली कहाँ है? अली कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ छोड़ कर आए उसे? मुझे मेरा बेटा चाहिए हर हाल में। भाभी प्लीज अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कैसे संभालू अपने आप को? सुहेल मुझे मेरा बेटा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया है वो। तुमने जो इतने दिनों से इस घर में अपना पागलपन फैला रखा था, उसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलना था ना। मेरी वजह से आपकी गैर जिम्मेदारियों की वजह से मेरे बच्चों पे अजाब पड़ा है। ये सब तुम्हारी जिद, तुम्हारी जिताई की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा का सारा कसूर ही आपका है। बीवी बच्चे सब कुछ घर में होने के बावजूद भी बाहर याशा कर रहे थे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। भाभी प्लीज, फलक तुम प्लीज भाभी को कमरे में लेके जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, अली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है मुझे। भाभी हाँ छोड़ो मुझे, तैमूर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अपने बच्चे को खुद ढूंढना है, मुझे किसी में कोई भी एतबार नहीं है। भाभी प्लीज आप समझें, आप इधर ही रहें। मुझे नहीं आ रहा ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे लेके चलो अपने साथ। अगर मेरे अली को कुछ हो गया ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बाजार हाल में। अच्छा प्लीज चले चले। सुहेल भाई आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ के, ऐसे क्या चाहिए मुझसे? अगर तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करोगी तो मैं डायरेक्ट तैमूर को कॉल कर दूंगा। अगर इसने तैमूर को फोन करके कुछ उल्टी सीधी बकवास कर दी तो मैं क्या करूंगी? अब आई हो ना अच्छे बच्चों की तरह लाइन पर। अगर पहले फोन उठा लिया होता तो मैं मैसेज ना करता तुझे। क्या तकलीफ है, फोन क्यों कर रहे हो मुझे? फलक जो मुझे तकलीफ है ना, उसकी दवा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास कुछ भी नहीं। और मुझे क्या चाहिए तुमसे वो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। कभी मखमल में टाट का पेवन लग सकता है? कभी भी नहीं। आज कल परसों वो अमीरजादा जो है ना मिस्टर तैमूर, वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है। फिर तुम कहाँ होगी? सीधा मेरे पास, तुम्हारे सुल्फी के पास। अल्लाह ना करे अगर वो मुझे छोड़ भी देगा ना, मर जाऊंगी, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इतनी नफरत करती हो मुझसे फलक? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मोहब्बत तो देख ली तूने मेरी, अब नफरत देखना। कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। क्या हुआ? रिपोर्ट फाइल करा दिया, अब देखें इंशाल्लाह जो भी होता है पता चल जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अली ऐसा कैसे कर सकता है, उसे स्कूल से अकेले चले जाना।
बेटा आपको लगी तो नहीं? अल्लाह का शुक्र। क्या देख रहे हो और क्या नाम है आपका? इस वक्त स्कूल के कपड़ों में कहाँ जा रहे हो आप? कहीं नहीं। आप अपने घर का रास्ता भूल गए बेटा? नहीं पता है। आपको अपने घर का नहीं पता? बेटा ये पानी पियो, डरो मत, पानी है ये, अब पी लो। हाँ सोनिया कहाँ हो यार? मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ यार, पता नहीं कहाँ से गाड़ी के सामने एक बच्चा आके टकरा गया। हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन अपने घर का पता कुछ नहीं जानता है। हाँ ठीक है, तो मुझसे मिलो, ठीक है वहीं पर। भाभी प्लीज इस तरह तो मत रोएं, बस दुआ ये करें कि अली जहां भी हो खैर खैरियत से हो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, इसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, प्लीज तैमूर कुछ करो। भाभी ठीक होगा इंशाल्लाह, हो सकता है वो किसी ऐसे दोस्त के यहाँ गया हो जहाँ शायद जिसको आप नहीं जानती हो। इसका कोई दोस्त नहीं है फहद के अलावा, और वो अपने पेरेंट्स के साथ यूके गया हुआ है। और कोई नहीं है? नहीं, इसकी टीचर से बात हुई थी, बता रही थी कि वो आजकल काफी डिस्टर्ब लगता है क्लास में, किसी से बात नहीं करता। जाहिर है भाभी, जब माँ बाप के झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उनका असर बच्चों पर पड़ता ही है। ये कहना चाहती हो कि सब मेरी वजह से हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप दोनों के झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे, जाहिर है उनका असर तो होना ही था। ठीक है, माफी मांग लूंगी तुम्हारे भाई से, बस एक बार मेरा बेटा घर आ जाए। अच्छा प्लीज रोए तो ना।